तो अभी सबसे पहले आप देखें कि इसकी इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है। उसके लिए सबसे पहले हम 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर लेते हैं और उसमें आधा किलोग्राम गाय का घी मिलाएंगे। तो ये गाय का घी है और दोनों हाथ से मिलाइए। 5 किलो ताज़ा गोबर में आधा किलो गाय का घी हमने मिला दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसको 4 दिनों के लिए हम छोड़ देंगे और प्रत्येक दिन कम से कम दिन में 3 बार इसी तरह से दोनों हाथों से इसको मिलाएंगे 4 दिनों तक। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है जो तरल पदार्थ में गोबर और घी के मिक्सचर में मिलाना है, उसमें सबसे पहले चौड़े मुंह वाला एक प्लास्टिक का बर्तन लेंगे जिसकी क्षमता 25 से 30 लीटर पानी को जमा करने की हो। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले गौमूत्र डालेंगे 3 लीटर और गौमूत्र भी ताज़ा होना चाहिए। इसमें 3 लीटर गौमूत्र डाल दिए। अब इसमें 2 लीटर गाय का दूध डालना है। इसके बाद इसमें 2 किलो गाय का दही और इसके साथ ही इसमें 3 लीटर डालना है नारियल, जो कच्चा नारियल होता है उसके डाब का पानी। इस डाब का जो पानी होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है, उसमें काइनेटिन नाम का एक पोषक तत्व होता है जो पौधे में हरे रंग का जो कारक है जो जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए इसको पंचगव में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका उपयोग हम छिड़काव के रूप में भी करेंगे तो इसकी मात्रा जब उसमें बढ़ेगी तो पौधे पर जो है हरितिमा का ज़्यादा असर दिखेगा। अब ये 3 लीटर नारियल का जो पानी हमने निकाला है अब इसको इसमें मिलाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे पका हुआ केले का पल्प, है ना, गूदा डालेंगे और इसमें लगभग 1 दर्जन केले का गूदा इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए गूदा को और उसमें मिला देना है। अच्छा ठीक। अब ये आप देखिए कि ये 250 ग्राम गुड़ है और इसको इसमें इसलिए डालते हैं कि जो हमने जो मिक्सर डाला है, जितना भी चीज़ डाला है इसमें, दही, दूध और केला, उसके डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का भी योगदान होता है। तो ये जो गुड़ है उसके लिए भोजन का काम करता है। शुरू में जो भी बैक्टीरिया है उसको हम अगर क्रियाशील बनाए रखेंगे तो उसके लिए कुछ ताज़ा भोजन देना पड़ेगा ना, तो ये गुड़ उसी के लिए दिया जाता है ताकि उसका जो डिकम्पोजिशन है उसकी क्रिया बहुत तेज़ी से हो। उसके लिए हम 250 ग्राम गुड़ को, शक्कर को इसमें मिलाएंगे। अब जितना चीज़ हमने इसमें डाला है इसको अच्छे तरह से दोनों हाथों से मिला देना है, बढ़िया से, अच्छे से।